नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं झुंझुनू के बस डिपो के अंदर, जहां ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन झुंझुनू की ओर से जो कुछ कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम इन ड्राइवर्स से जानना चाहेंगे कि ये किस कारण से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको इस कानून से क्या नुकसान है। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है तारो? मैं राधेश्याम कुमावत, ड्राइवर कल्याण संघ बात कर रही हूँ। जो प्रदर्शन कर रहे हो, क्या वजह कर रहे हो? जो प्रतिनिधि कर रहे हैं साहब, मैं ड्राइवर कर रहा हूँ, लोगों की गाड़ियाँ चला रहा, मेरे को ड्राइवर कर रहा और ड्राइवर करते समय मैं मक्खी नहीं मारने को चाहूँ। अगर मक्खी मच्छर आगे भी नहीं बचाने की कोशिश करा, हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जाती है, या कोई हमारी कोई जमीन नहीं दाब रखी है जो पब्लिक जो हम उसको मारेंगे, है कि नहीं? लेकिन उसके बाद भी कोई अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसकी किस्मत से होता है, और उसमें हम अपनी जान नहीं बचाएंगे तो क्या करेंगे? हम अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागेंगे तो पब्लिक हमें मार डालेगी। ये नया कानून बन को क्या बना को? ये बनाने की बना दिया, गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया तो बन जाएगा। क्या कमी है कानून में? कानून में कमी है, जब हम हमारे के लिए सुरक्षा चाहिए हमें कि जब या तो पब्लिक की हमें मारेगी और पब्लिक नहीं मारेगी तो हमें जुर्माना भुगतना पड़ेगा, तो हम तो दोनों से मरे हुए हैं। क्या नाम है तारो? मोहम्मद शरीफ। थे बताओ कि कानून के अंदर कौन से आगे कमी है जिसको थे विरोध कर रहे हो? भाई जहाँ ड्राइवर है, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, जहाँ मान लो 10 साल की सजा बता रहे हैं या 5 साल जुर्माना तो कुछ भी है, वो भाई 10,000 की नौकरी करने आदमी करूँ देखो। ठीक, क्या बात। हमने पहले 21 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया गवर्नमेंट को, उसमें भी आज तक कोई सुनवाई नहीं की। 365 दिन में 365 कानून ड्राइवर को लूटने के बनाए गए, ड्राइवर के हित में 77 साल में एक भी कानून ड्राइवर के हित का नहीं बनाया गया। हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, हमसे क्या दुश्मनी निकाल रही है? हमें सहायता देने के बजाय हमारे ऊपर और कानून थोप रही है। हमने क्या गुनाह किया है? हम क्यों गाड़ी चलाएंगे? हम कोई ठेला लगाएंगे या खेती करेंगे या कहीं और कहीं चाय की दुकान खोल लेंगे? जरूरी है हमें गाड़ी चलाना। थारो के नाम है? मैं वो जी है जो कर रहे हैं कि जो ड्राइवर में गाड़ी चलावा और मार से कोई एक्सीडेंट होगो और मानने 10 साल की जेल कर दी नहीं या मानने 5 साल के लिए 5 लाख को जुर्माना कर दियो, तो मैं वो जुर्माना ड्राइवर भूखा मरेंगा और वो जुर्माना कटूँ पे कराना। मैंने ये कानून पहले भी कोई कानून हो गया को यहाँ को कोई कानून पहले बना हो, पहली ड्राइवर की उनको चलाओ कोई दिक्कत नहीं, पहली ड्राइवर की जमानत होती थी और बाद में गाड़ी छूटती थी, अभी ये कर रखी है कि ड्राइवर जमानत ही नहीं होगी। नहीं, अब थारियो खोना जो पहले तो कानून होना वो ही रहना चाहिए, जो नयो कानून नहीं लागू चाहिए। कानून का विरोध, हमें कानून लगाते हो तो उसको उसमें हमारा संशोधन होना चाहिए। हमारे ड्राइवर के हित में कानून बनाते हो तो हमें खुशी होती है, हमें तो लूटने का कानून बनाया जा रहा है। नहीं तो थे बताओ नयो कानून क्या कुछ बनाओ? 8-10 हजार रुपए हम 5 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देंगे? आप बताओ, अब मान लो नयो कानून बना है तो इन थे संशोधन चाहो या स्वीकार ही कौन करो? स्वीकार ही नहीं करना चाहती। पहले तो कानून बढ़िया हो, वो पहले वाला कानून आज से 77 साल में चलता आ रहा, तो अब क्या दिक्कत होगी उसमें? जो मरना है, मेरी मौत अगर एक्सीडेंट से लिखी है तो आएगी, वैसे भी आएगी, अब उसको हम 10 गुना जुर्माना करें तो कैसे? क्या नाम है थारो? इमरान नाम है। इमरान, तो इमरान भाई थे बताओ कि कानून में क्या कमी आएगी? कमी है सर, हर चीज की। ड्राइवर कट से मतलब आपके 10,000 रुपये वो कमानी है और वे 5 लाख को जुर्माना कट सके वो। अगर सरकार थारी बात नहीं माने तो देखिए करोगा? अंतर्राष्ट्रीय सिपाही है, एक बार हड़ताल कर दिए तो, एक दिन भी हड़ताल कर दिए तो पूरा भूखा रह जाता है। हम ड्राइविंग करना छोड़ देंगे फिर सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास सरकार क्या है? चाबियां दे देंगे कि ये चाबियां जो अपनी मर्जी से चलाना चाहे उसे चलवा लेगी। हम सब्जी की रेडी लगा लेंगे, गधा रेडी बालेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास इलाज भी क्या है? हाँ, ड्राइविंग छोड़ देंगे हम। ड्राइविंग करना चाहते हैं हम, हमारी मजबूरी के कारण ड्राइविंग कर रहे हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए कर रहे हैं, बच्चों को हमारी जो जिम्मेदारी है घर परिवार की उसको संभालने के लिए हमने ड्राइविंग का ये कार्य कर रहे हैं। हमारे को शौक नहीं ड्राइविंग करने का, मजबूरी में हम ड्राइविंग कर रहे हैं। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि ये इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे और आने वाले समय में अपने जो भी प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, इसको और गति इसकी मजबूत करेंगे।
गति प्रदान करेंगे सर, शांति आंदोलन करेंगे हम, कई वो बारदार लूटपाट वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। और किसी भी सूरत में जो नया कानून बनेगा इसको ये स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे स्वीकार तो नहीं करेंगे। ये इन लोगों का ज्ञापन है जो ये जिला कलेक्टर साहब को सौंपेंगे, जो इन्होंने गृह मंत्री के नाम से दिया है।